फ्लिपकार्ट की शुरुआत की बंसल्स ने साल 2007 में और अमेज़न को जेफ बेजोस चला रहे हैं 1994 से। इन दोनों ही कंपनीज ने ऑनलाइन बुक स्टोर से शुरुआत की थी। यही नहीं, अमेज़न 3 बार फ्लिपकार्ट को खरीदने की कोशिश भी कर चुका है। अब इन दोनों में बेहतर कौन है? अमेज़न जिस कंट्री में भी एंटर करता है वहां के ई कॉमर्स का मार्केट खराब कर देता है, पर इंडिया में इसे कड़ी टक्कर देता है फ्लिपकार्ट, जो कि अपने अंडर मिंत्रा और जबोंग का भी फैशन का मार्केट रखता है। ये इसकी पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा राज है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के मामले में अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों लगभग बराबर हैं। फ्लिपकार्ट का ज्यादातर मार्केट टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज से बनता है, जहां इसे सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया जाता है। ग्रोसरीज में अमेज़न आगे है, बट ये फिर भी भारतीयों की खास पसंद बिग बास्केट और जैप्टो जैसी कंपनियों के आगे नहीं टिकता। फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न में इतना कॉम्पिटिशन है कि दोनों अपने कस्टमर्स को लुभाने के लिए सेल पे सेल चला रहे हैं। अमेज़न के पास अमेज़न प्राइम सब्सक्रिप्शन है और फ्लिपकार्ट के पास है फ्लिपकार्ट प्लस। पर यहाँ अमेज़न थोड़ा आगे अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म की वजह से चलता है, जहाँ आपको अमेज़न प्राइम के शोज मूवीज के साथ मिलते हैं शॉपिंग के बेनिफिट्स। अब ये दोनों कंपनीज ऑफलाइन मार्केट में भी उतरने की स्ट्रेटेजीज बना रही हैं, जिससे कि ये अपने कस्टमर्स को और खींच पाए। अब सवाल ये है कि इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट ये दोनों दिग्गज शेयर करेंगे या फिर मीशो भी इनका कॉम्पिटिटर बन के खड़ा हो जाएगा, जिसकी पहुँच अब घर घर में दिखने लगी है। ई कॉमर्स वॉर की फुल स्टोरी आपने सुनी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी चैनल पर। फॉर मोर सच स्टोरीज सब्सक्राइबर्स।